हाँ हेलो। हाँ सर, गुड हाँ गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आपको तो नाइट, गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग। ओके, तो कल हम लोग देख रहे थे रिवॉल्व कमांड, राइट? रिवॉल्व, और वो मैंने बनाया है, वो अपना वो टास्क टास्क कंप्लीट किया है मैंने। ठीक है। सो मैं अभी आपको ना शेल कमांड दिखाता हूँ, ओके? ओके okay. उसके बाद फिर हम लोग वो एग्जांपल देखेंगे बुक में था। ओके, तो शेल कमांड इन सॉलिडवर्क्स। ओके, सो मान लो आपको कोई पार्ट है, उसको हॉलो बनाना है, ओके? फॉर एन एग्जाम्पल, ये बाहर से एक कंप्लीट सील्ड बॉक्स दिख रहा है, बट अंदर से ये हॉलो है, मतलब इसके सारे वॉल्स को एक पर्टिकुलर थिकनेस है। सो आप यहाँ पर शेल कमांड में जाओगे, ओके? और आपके पार्ट को कितनी थिकनेस चाहिए वो मेंशन कर दिया, ठीक है? लेट्स से 3 मिलीमीटर्स। ये 3 मिलीमीटर्स इनसाइड थिकनेस रहेगी, मतलब आपका ये जो बॉक्स है इसका आउटर साइज जो आपने बनाया वही मेंटेन रहेगा। और आप ओके बोल दीजिए, कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है, ओके? नाउ इफ यू गेट अ कट सेक्शन, आप देखोगे कि ये पार्ट जो है वो कंप्लीटली हॉलो बन गया, है ना? बट मान लीजिए आपको इस पार्ट के एक पर्टिकुलर फेस को ओपन करना है, लाइक अ वेसल, तो आप उस फेस को इस ब्लू बॉक्स में ऐड करोगे, ओके? सो तो वो फेस कट जाएगा और बाकी के वॉल्स जो है उनको थिकनेस और साइज हो जाएगा, ओके? फॉर एन इंस्टेंस, लेट से आपने कुछ ऐसा पार्ट बनाया, ठीक है? और आपको ये जो साइड है ये नहीं चाहिए, तो प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने स्केच में ही वो कटआउट बना दिया तो मुझे शेयर करते वक्त इतने सारे फेस सेलेक्ट करने पड़ेंगे, ओके? अच्छा तब जाके वो वैसे ओपन होगा। अगर मैं इसमें से कोई भी फेस नहीं सेलेक्ट करता, लाइक ये फेस मैं भूल गया, तो वहां पे वो वॉल बनी रहेगी, ओके ओके? सो अगर आपको ऐसी वॉल चाहिए तो यू डू इट दिस वे, अगर आपको ये वॉल नहीं चाहिए तो तो फिर हम हाँ, सिलेक्ट कर आपको दें। वो फेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं मोस्टली ऐसे प्रेफर करता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लैट फेस बनाया जाए, ओके? एंड देन यू ऐड द कट। तो क्या होता है कि इन केस वेर यू डोंट वॉन्ट दिस वॉल, तो वो जो कट ऑपरेशन है वो सेपरेट मेंटेन होता है, उसका प्रोफाइल भी सेपरेटली आप कंट्रोल कर सकते हो, और जो बेस शेप है, हाँ, जिसको एक्चुअल में शेयर करने की जरूरत है वो आपका सेपरेट होता है, ओके? लाइक मैं इसमें ये प्रोफाइल बनाऊंगे नहीं है, पूरा पार्ट बनाऊंगा, इसको शेयर करूंगा, शेयर करने के बाद में कटआउट मैं, मारेंगे। हाँ, इस फेस पे स्केच करके इसको एक्सट्रूड कट करूंगा, हाँ वो सही रहेगा। या सो सिंप्लीफाइड हो जाता है और कुछ नेक्स्ट स्टेप बढ़ जाता है, बट आपका ऑपरेशन सिंप्लीफाइड हो जाता है, ठीक है? नेक्स्ट थिंग, जब भी आप किसी पार्ट के ऊपर शेल अप्लाई कर रहे हो, फॉर इंस्टेंस ऐसे, और आपका वो जो पार्ट है उसके ये जो कॉर्नर्स है, मान लीजिए ये कॉर्नर,
ये कॉर्नर और ये इंटरनल कॉर्नर जो है ये, इनको कुछ रेडियस है और वो रेडियस बाहर के वॉल वॉल के फेस के ऊपर प्रोपोगेट हो रहा है। मतलब अगर इनर रेडियस 2 मिलीमीटर है तो बाहर का रेडियस है वो इसके थिकनेस से उतना ज्यादा रहेगा। सो ऐसे केस में आप अगर शेयर करने के बाद फिलेट कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम क्या होगी कि आपको मल्टीपल एजेस सेलेक्ट करने पड़ेंगे, राइट? इसको फिलेट देने के लिए और उनको अलग से वैल्यू दोगे, और फिर लेट से आपने यहाँ पे बोला कि मल्टीपल रेडियस, तो आप इन फेसेस को सेलेक्ट करोगे, उनको अलग से वैल्यू दोगे, तो आपका काम बहुत बढ़ जाएगा। वही अगर मैंने इस शेयर करने से पहले लेट से मैं इस रोल बैक, इसे रोल बैक बार कहते हैं, ये जो ब्लू ओके कलर का डंडी है इसको आप आगे पीछे लेके जा सकते हैं, तो मैं स्टेप शेयर के एक स्टेप पीछे आ गया। और अगर मैंने फिलेट शेल मारने से पहले ऐड किया रहेगा लाइक दिस, लेट्स से द ओके रेडियस इज 5 मिलीमीटर्स और ऑल द ट्रांसवर्स एजेस, ओके ओके। सो वहाँ पे एक्चुअली ऑप्शन था, जब मैंने इस एज को सेलेक्ट किया तो एक एक फ्लाईआउट बार आता है, और इसमें से मैं चूज कर सकता हूँ मुझे पूरे बॉडी के एजेस सेलेक्ट करने हैं अच्छा कि हाँ पूरे पैरामीटर के सेलेक्ट करने हैं, ओके, या फिर जो मैंने एज सेलेक्ट किए वैसे ही लैटरल एजेस सेलेक्ट करने हैं। ये फर्स्ट वाला ऑप्शन मेरे लिए सही है, तो उसको सेलेक्ट कर दो तो सब एजेस एक साथ ऐड हो गए, ओके। और सिमिलरली रेट से मुझे इसके ऊपर भी फिलेट देना है, तो मैं ऐड कर सकता हूँ कि आई वांट फिलेट ऑन दिस फेस, तो मैं फेस को सेलेक्ट करूंगा, तो फेस से एडजस्ट जितने भी एजेस रहेंगे उनको जो भी होंगे फिलेट ऐड कर रहे वैल्यू। अच्छा अभी अगर मैं फिलेट शेल ऐड करता हूँ, सॉरी अभी शेल ऑलरेडी दिया है हमने, सिर्फ मैं इसको नीचे ले आता हूँ, ये देखिए, ओके ठीक है। सो यहाँ पे 5 दिया था, तो 5 माइनस शेल का जो थिकनेस है उतना रेडियस यहाँ पे ऐड हो गया, ओके। सो शेल का थिकनेस एक्चुअली 3 है, तो यहाँ पे आपका रेडियस 5 और यहाँ पे रेडियस 2 मिल गया, ओके और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये काउंटर काउंटर मशीन मशीनिंग के लिए। तो आपको सिर्फ याद ध्यान में रखना है कि आपको शेल का कौन से फीचर से उस शेल से पहले ऐड करने, कौन से फीचर से उस शेल के बाद ऐड करेंगे, तो आपका पार्ट जो है वो मॉडल करने में आसानी होगी, है ना? रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट रहता है। अभी हम लोग और एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं, इसको मैं डोंट शेयर करता हूँ। लेट्स से टॉप प्लेन पे हम एक रेक्टेंगुलर शेप क्रिएट करते हैं, इसका लेंथ हम लोग देंगे फॉर इंस्टेंस 250 मिलीमीटर, विड्थ देंगे 150 मिलीमीटर्स, और इसे हम एक्सट्रूड करेंगे बाय 25 मिलीमीटर्स, लेट्स से 27 मिलीमीटर फॉर इंस्टेंस, ग्रेट। अब मैं इसके फेस के ऊपर एक प्रोफाइल क्रिएट करता हूँ, रेक्टेंगुलर प्रोफाइल, ये स्क्वायर होगा, तो दो एजेस एंड एजेस को मैं इक्वल बोलता हूँ, और इसको कुछ एक डायमेंशन दे देते हैं। अभी लेट्स से ये मैंने 150 बोला है, राइट? टोटल विड्थ, ओके। सो 150 डिवाइड बाय 4, थर्टी 7.5, ओके। लेट्स से 150 में से मैंने फॉर इंस्टेंस 146 डिवाइड बाय 36.5,
हम लोग थोड़ा ज्यादा क्लियरेंस रखना चाहते हैं। मैं फ्रॉम एज जी, तो वन फोर्टी डिवाइड बाय टू, तो 35। तो इसको मैं 35 का लेंथ दे सकता हूँ। ओके 35 में से मैं एक्चुअली बीच में स्पेसिंग भी कंसिडर करने वाला हूँ, सो ये रहेगा 33। ओके एंड यहाँ से यहाँ पे स्पेसिंग 5, सिमिलरली यहाँ से यहाँ पे स्पेसिंग जो है 5। ग्रेट। और इसको मैं अभी यूज करूंगा टू क्रिएट एन एक्सट्रूडेड कट। ओके सो ये जो कट है उसका डेप्थ मैं कितना दूंगा, सो जितना मुझे एक्चुअली ये पार्ट का जो मतलब थिकनेस मेंटेन रखना है उस हिसाब से मैं दे सकता हूँ। लेट्स से फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ कि दिस विल बी 23। ओके नाउ मैं इसमें कुछ फीचर्स ऐड करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो कट है इसको मैं ड्राफ्ट ऐड करूंगा। सो मैं बोलूंगा ये ड्राफ्ट रहेगा और ये कट जो है अंदर की तरफ जाते हुए किसी टेपर होगा, टेपर इंसर्ट। तो 3 डिग्रीज का ड्राफ्ट एंड फिर मैं इसमें फिलेट ऐड करूंगा। अच्छा सो फिलेट मल्टी रेडियस फिलेट एंड लेट्स से 1 mm, और ये हो गया इनर एजेस एज वेल एज ये हो गया लेट्स से 1 mm इज फाइन विथ मी एंड 1.5 देता हूँ एक्चुअली 1.5। ओके ओके फॉर ऑल ऑल दी इनको सेलेक्ट करके 1.5। आपको तो सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसका रेडियस चेंज करने के लिए अच्छा मैंने मल्टी रेडियस बोला था। ओके अब बाहर का जो ये बाहर का जो ऊपर का एज है इसको मैं अलग से फिलेट दूंगा। सो लेट्स से मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और बोलता हूँ दैट रेडियस विल बी 2 mm। ओके एंड हो हाँ एंड फिर वही मैं कंटिन्यू करूंगा। सो फिनिश। ओके अभी कट एक्सट्रूड और फिलेट दोनों को सेलेक्ट करो। ठीक है ओके सो अभी हम लोग पैटर्न क्या करने वाले हैं, ये फीचर पैटर्न करने वाले हैं। फीचर पैटर्न करने वाले देखो तो बॉडी में से आप सेलेक्ट कर सकते हो बट मैं अवॉइड करता हूँ। सी बॉडी से मैं बॉडी में से भी फेसेस सेलेक्ट कर सकता हूँ बट ओके वो मोस्टली अवॉइड करता हूँ। पता नहीं मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू दे दैट इज बिट वो रिस्की मिसिंग नहीं चांसेस टू वर्क विद। बढ़ तो हाँ यहाँ से फीचर सेलेक्ट करो, सेलेक्ट कंट्रोल सेलेक्ट फिलेट एंड देन फिर आप यहाँ पे पैटर्न कमांड को सेलेक्ट करो। सो लीनियर पैटर्न कर रहे हैं, लीनियर पैटर्न। ओके और यहाँ पे मैं डायरेक्शन बोलूंगा दिस एज और उसके बीच में स्पेसिंग हम लोग बोलेंगे 35 और मुझे 4 चाहिए। ओके फाइन सो दिस इज एक्चुअली मैसिंग अप। मैंने जो रेडियस दी है उस हिसाब से थोड़ा सा मैसअप हो रहा है। सो मैं उसको रेक्टिफाई करना चाहूंगा बट ठीक है मैं इसको आगे लेके जाता हूँ पहले। हाँ वो बस रेफरेंस के लिए उतना ऐसे नहीं है। नहीं बट मेरा जो फाइनल रिजल्ट रहेगा उसके लिए काम में आएगा, तो मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा ये। तो ओके दिस इज गुड गुड एंड ओके सो ठीक है इसका रिबिल्ड एरर आएगा मुझे कैंसिल नहीं करना पड़ेगा। एनीवेज सो मुझे बेस स्केच में थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा इसके कट एक्सट्रूड के। सो दिस वॉज 33। सो अभी मैंने फिलेट दिया था
का कंपनसेट नहीं कर पाया, सो 31 करके देखते हैं, एंड फिर हम लोग इसको पैटर्न करते हैं। लीनियर एरे, द एज 35, हाँ देखिए बीच में अंडरस्टूड। गैप रह रही है, सो इट विल नॉट गिव एन एरर। एंड इसका काउंट रहेगा 4। सिमिलरली इस डायरेक्शन पे 35 और एस्टर 6 एंड ओके। सो पैट क्रिएट हो गया। अभी इसमें कैसे यहाँ से अभी 35 इनटू, अगर मैं 6 करूँ प्लस 10, सो हाँ 220 होता है, राइट? सो ये 220 कर देते हैं। क्वाइट ओके, बट अंडरस्टूड। नॉट एग्जैक्टली, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो उसमें दो में और आएंगे 2 mm कम कर सकते हैं ना, 2 to 5 mm कम कर, 2-3 mm। तो 5 है। हाँ वो 5 एक्स्ट्रा, उसका एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ से अगर आप इवेल्युएट करो, सॉरी अच्छा 7.1 मिलीमीटर आ रहा है इंस्टेड ऑफ 5। टू ओके दैट मिलीमीटर इज हाँ या एक्चुअली ये 5 ही नहीं, जो यहाँ पे आया है उतना आना चाहिए था फिलेट के बाद में, 3.1। तो ओके 5 mm ही कर दीजिए इसको। इसको मैं 5 मिलीमीटर नहीं कर सकता अभी, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्केच में 5 ही बोला है। हाँ और बढ़ा दीजिए उसको 2 mm से। मैंने इसके ऊपर फिलेट ऐड किया ना बाद में नहीं वैसे नहीं होता है क्या? तो एक तो मैं इस पार्ट को रिड्यूस कर सकता हूँ या फिर इस वैल्यू पे बढ़ा सकता हूँ इधर में। सो हम लोग बोल सकते हैं कि इसको 7 कर देंगे। 7 ही कर दीजिए उसको, 6। हाँ नहीं लुक्स है बेटर। ना, या सो सेम थिंग हम लोग इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप आइस बनाते हो आपके फ्रीजर में, उसका ट्रे कुछ ऐसे रहता है इस साइड से, बट इस साइड से ऐसा फ्लैट नहीं रहता, वो एग्जैक्टली उस मोल्ड के शेप का रहता है, राइट? पीछे के साइड। यस सो ऑल दिस वॉल्स हैव दैट थिकनेस, जो हम लोग भी इसको ऐड करने वाले हैं, राइट? ओके सो वही है। अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे शेल कमांड में जाऊंगा और आपके ओके। पार्ट का थिकनेस कितना है वो मेंशन करूंगा, और इन सारे फेसेस को मैं सेलेक्ट करूंगा जिनको रिमूव करना है। ओके सो इधर कुछ नहीं सेलेक्ट करूंगा, पीछे के साइड पे सेलेक्ट कर रहे हैं। ओके एंड ओके बनेंगे। ओके फिर इसमें एक्चुअली ये एक रो एक्स्ट्रा हो गया, यूजली आपके आइस ट्रे रहते हैं वो 3x6 या 3x7 के ब्लॉक रहते हैं, बट दिस इज व्हाट यू गेट। लुक्स गुड। तो इस तरह से मतलब आप ज्योमेट्री को जितना जितना एक्सप्लोर करोगे आपको आइडिया आएगा कि इन टूल्स को कैसे कैसे यूज कर सकते हो। बाकी तो बात में लाइक या ये शार्प एज है तो आई कैन रिमूव दैट। फिलेट लिया, फिलेट में मैंने हाँ रेडियस लिया ऑफ 3 mm या 5 mm, फॉर एन इंस्टेंस मैंने इस एज को सेलेक्ट किया। ओके चारों एजेस सेलेक्ट हो गए स्क्वायर्ड यस बार की वजह से, एंड ओके
और यहाँ पे जो भी आपने रेडियस दिया था उससे 1 mm ज्यादा रेडियस का यहाँ पे ग्राउंड ऐड हो गया। ओके बिकॉज और यहाँ पे जो रेडियस था उससे 1 mm कम राउंड ऐड हुआ। हाँ अच्छा बिकॉज हमारे पार्ट का थिकनेस हमने 1 mm यूनिट दिया। ओके तो मैंने सिर्फ क्या किया कि ये जो फेसेस है आउटर फेसेस चारों साइड फेसेस और बॉटम फेसेस उसको मैंने शेडो कमांड में ऐड किया और फिर थिकनेस असाइन किया। शेल आउटवर्ड भी किया जा सकता है। शेल आउटवर्ड में कैसे रहता है कि आप जो भी थिकनेस ऐड करोगे तो आपने जो बॉडी पार्ट बना है वो उतना यूनिट से एक्सपांड होगा। ओके तो बेसिकली अगर आप डाई बना रहे हो और उसमें आप कंसिडर कर रहे हो कि उसका जो कैविटी रहेगा वो उस शेप का ही रहेगा जो शेप आपने बनाया है और उसके बाजू का जो वॉल्स रहेगा उनको एडिशनल थिकनेस ऐड करनी है, तो आप तभी शेल करते वक्त तो उस कैविटी की साइज मेंटेन रखोगे एंड बाहर उसके बाहर वॉल्स पे मटेरियल्स ऐड करोगे। सब शेल आउटवर्ड बोलोगे उसके। या हाँ, वो मोल्डिंग में उसका तो वॉल का आउटसाइड थिकनेस वगैरह ज्यादा रहता है। सो ऐसे अलग अलग केसेस रहते हैं जहाँ पे आपको कभी कभी शेल आउटवर्ड करना वो पड़ता है। शेल और शेल इनवर्ड बाय डिफॉल्ट रहता है, तो शेल कमांड में जब बाय डिफॉल्ट भी मैं शेल कमांड के अंदर जाऊंगा तो यहाँ पे देखिए शेल आउटवर्ड ऑप्शन दिया है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, ये सब वॉल्स जो है ना वो बाहर और एडिशनल मटेरियल ऐड करेंगे। अच्छा, तो अगर मैं इसको ओके बोलूंगा तो इट विल गिव यू अ डिफरेंट रिजल्ट। सो बेसिकली अगर आप अभी इस पार्ट को मेजर करोगे तो आपको इसके डायमेंशन जो है वो अलग मिलेंगे देन दी शेयरिंग मोड। शो प्रीव्यू में आपको मिलीमीटर से एक्स्ट्रा मिल उसने मटेरियल जाएगा। डाल दिया अंदर। ये आपका जो अभी अगर मैं शेल आउटवर्ड बोलूंगा इस केस में तो प्रॉब्लम क्या होगा कि ये जो है इसका साइज कम हो जाएगा। अच्छा। इस केस में बेसिकली है ना, ठीक। अभी ये एग्जैक्टली इसी साइज का बनेगा। शेल आउटवर्ड बोलता तो मटेरियल एक्स्ट्रा बाहर ऐड एक्स्ट्रा वाला है। हाँ, है, एग्जैक्टली। तो अभी आपका ये जो पार्ट है वो और छोटा साइज कर लेगा। तो इस केस में एक्चुअली शेल आउटवर्ड नॉट रिकमेंडेड, बट अगर कहीं पे आपने जो है ऐसी जगह पे शेल को ऐड करना है जहाँ पे एक्चुअली आपको मटेरियल एडिशनल चाहिए तो आप शेल आउट करो। इसको आपको चाहिए कि ये फाइल तुम्हें सेव करते हैं मेथड उनसे हो, आपके ऊपर डिपेंड है। मैं एक बार ठीक सेव कर लेता हूँ। क्योंकि वो फाइल तो मैं एक्सेस नहीं कर सकता ना यहाँ से। हाँ वो तो क्या जी ड्राइव वी ड्राइव पे डाल दूंगा तो आप एक्सेस कर सकते हैं। ये ऐसा है ओरिएंटेशन एक्चुअली एग्जांपल का। सो दिस इज फ्रंट व्यू, ये टॉप व्यू, ये साइड व्यू और ये आइसोमेट्रिक। ओके पेज ऐसे था बट एग्जांपल का ओरिएंटेशन ऐसे है। आई एम यस। रोटेटिंग द पेज। तो इसमें आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कैसे इसको ड्रॉ करना है। मैं बेसिकली इस शेप को फ्रंट व्यू से ड्रॉ करूंगा। ओके सो आपके यहाँ पे आकर आपने ओपन किया तो मैं डायरेक्टली बनाते जाता हूँ इसको। सो फ्रंट प्लेन क्रिएट स्केच और एक कॉर्नर रेक्टेंगल लेता हूँ, ऐसे बना देता हूँ। ये जो एज है इसको मैं ओरिजिन के साथ मेक मिड पॉइंट से कंस्ट्रेन करता हूँ। इसका हाइट जो है 5 mm बोल देंगे और लेंथ जो है वो 50 mm।
नाउ दिस इज अ कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री, इसको मैं कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में कन्वर्ट करता हूँ। अभी आप यहाँ पे सेंटर पॉइंट्स आर्क्स से आर्क क्रिएट करते जा सकते हो लाइक दिस। ओके तो मैं इसको रेडियस दे देता हूँ, रेडियस इज 5। अब चाहो तो इसके कॉपीज क्रिएट कर सकते हो या फिर ड्रॉ करते जा सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, फिर सेलेक्ट दिस, आई कैन से कि कॉपी एंटिटीज, ओके, एंड फ्रॉम एक्स टू वाई कीप रिलेशंस एंड ऑल। सो ठीक है, फ्रॉम यहाँ यहाँ, ओके, एंड क्या फिर मुझे अगर साइज मेंटेन रखना है फिर तो वैसे कर सकता हूँ, अदरवाइज यू कैन ड्रॉ वन बाय वन। ओके सो फाइव तो व्हाट आई कैन से इज कि ऑल दीज आर इक्वल इन रेडियस। ठीक है, आई कैन एक्चुअली ड्रैग दिस एंड प्लेस इट ऑन ओरिजिन। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे ड्रैग करता हूँ एंड सेम वे इससे मैं थोड़ा सा ऐसे ड्रैग करता हूँ। नाउ आई विल गेट दोस पॉइंट्स एक्चुअली, ओके, जहाँ से मैं इनको फिलेट ऐड कर सकता हूँ। सो आई विल ट्राई टू ऐड फिलेट बिटवीन देम। सो फिलेट ऑफ रेडियस आई गेस 1 है। ओके, वन क्लिक एंड क्लिक, दिस इज अ सेगमेंट बीइंग फिलेटेड एज अ मिड पॉइंट और इक्वल लेंथ सेगमेंट, इक्विडिस्टेंट रिलेशन विल बी डिलीटेड। यस ठीक है, ओके, डिलीट कर दोनों। फिर मैं इन दोनों के बीच में ऐड करता हूँ। ओके, ये भी क्या कर रहा है कि मैंने इसको ओरिजिन पे कंस्ट्रेंट कर दिया ना, तो अलाउ नहीं कर रहा। ठीक है, इस इन दोनों के बीच में ऐड करते हैं। देर इज सम प्रॉब्लम यहाँ पे भी, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, लेट्स सी इफ दिस हैपेंस, मतलब नहीं हो रहा। यस, हाँ कैंसिल एंड डू। कभी कभी आपको ये ऐसे प्रॉब्लम कर देगा कि ज्योमेट्री जो है वो फिलेट से नहीं बनेगा। आप एक तो का ट्राई कर सकते हो फिर से फिलेट से, या फिर आप सीधे सीधे आर्क बना सकते हो, टोटली अप टू यू। ओके सॉरी, फिलेट ये मीट नहीं हो रहा है, सो प्रॉब्लम। तो दोनों को कंस्टेंट कर देंगे तो हो जाएगा। तो लूप बन गया। ओके, अभी हमने ये जो ऊपर के आर्क थे उनका सेंटर जो इस लाइन पे मेंटेन रखा था। ओके, अगर मैं इसको नीचे खींचू इट विल नॉट कम, कोइंसिडेंट है। ओके, बट ये किसी से कोइंसिडेंट नहीं है, सिर्फ एडजेसेंट आर्क से टेंजेंट है। टेंजेंट। बट अभी ये अगर यूनिफॉर्म चाहिए तो इट इज मस्ट कि इनका जो सेंटर है दे शुड बी हॉरिजॉन्टली अलाइन, राइट। सो सेलेक्ट ऑल दिस सेंटर एंड से हॉरिजॉन्टली अलाइन। ओके, अभी यहाँ पे जो मिड पॉइंट कंस्ट्रेंट है ना वो थोड़ा सा तकलीफ दे रहा है, मैं एक को डिलीट कर दूंगा एंड योर स्केच विल बी फाइन। यस पीछे वाली। नहीं, ये येलो वाली को डिलीट करना है, बट एनीवे सो आई गेस डिलीट हो गया है। मैं फिनिश करके रिबिल्ड करके देखती हूँ। स्केच के पीछे का माइनस साइन तो चला गया, हाँ तो चला गया, तो रिबिल्ड नहीं हुआ था, स्क्रीन रिफ्रेश नहीं हो रहा था। तो मैंने ऊपर का कटआउट नहीं बनाया, ऐसे डिस्कस कर दिया है ना, मुझे मल्टीपल फेसेस का ऑप्शन नहीं चाहिए शेयर करते हैं।
तो इसको एक्सट्रूड करेंगे आप, अबाउट मिडप्लेन रखिए, ऑलवेज गुड। ओके, और इसका कितना रहेगा विड्थ? 35। 50 नहीं, ये कितना है? 25, 5 5 10, यस 35। 35 नहीं, साइड में 35। फिर आप इस एज को और इस एज को जो है फिलेट ऐड करेंगे, राइट? सॉरी, यस फिलेट और रेडियस जो है वो 3 है। जैसे इस एज को सेलेक्ट करो वो प्रोपगेट हो जाएगा फिलेट टेंजेंसी की वजह से। या सॉरी, इसके बाद आप इजीली फिलेट कर सकते, सॉरी शेल कर सकते हो। शेल थिकनेस ऑफ 1 मिलीमीटर टू दिस फेस, ठीक है? तो इस केस में मैंने जो ये कटआउट है ना, ये कटआउट सही है, ये पहले नहीं मारे, शेल के पहले नहीं मारे, है नहीं ना? अगर मैं शेल के पहले कट आउट मारूंगा तो क्या हो जाएगा? मान लो जो मैंने यहाँ पे स्केच क्रिएट किया, मैंने ऐसे कट आउट मार दिया, जो भी डायमेंशंस है, देखिए यहाँ से भी रैंडम डायमेंशंस दे रहा हूँ मैं, जो भी है। और मैंने इसको एक्सट्रूड कट किया, थ्रू ऑल बोलूंगा, थ्रू एंड थ्रू कट है, राइट? और अगर बाद में मैंने शेयर किया तो क्या होगा? वो आपके वो वॉल है जाए। उसको वाल बनाते हाँ, तो वो हमको नहीं चाहिए। सो व्हाट आई कैन डू इज कि शेयर को जो है इसके पहले धकेल दो, है ना? सो कट यहीं पे रहेगा, थे। यस एक्सट्रूड कट बाद में आएगा। चलो अभी स्केच को प्रॉपरली डिफाइन करते हैं। तो क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स? सेंटर से 5 mm है। सो ठीक है, मुझे एक काम कर सकते हैं, मैंने कैसे सेंटर रेक्टेंगल बनाया नहीं, कॉर्नर नहीं। रेक्टेंगल कमांड यूज किया, राइट? ये गड़बड़ हो गया। तो थ्री मिलीमीटर उसका हाँ, तो मैं क्या करूँगा, एक सेंटर लाइन लूंगा और ऐसे एक डायगनल बनाऊंगा। ओके, अभी आप इसके मिड पॉइंट से इस एज तक का अच्छा। डायमेंशन दे सकते हैं, 5, राइट? इसका कितना है? 3 है, राइट? थ्री ओके, और आप ये भी बोल सकते हो कि यही जो मिड पॉइंट है इसका वो ओरिजिन के साथ हॉरिजॉन्टली अलाइन्ड है, ओके सब पोजीशन भी फिक्स हो गया, राइट? यस स्केचेस फुली डिफाइंड। अभी सिर्फ एक्सट्रूड कट फीचर को सेलेक्ट करो, ओके, और लीनियर पैटर्न बोलो। पैटर्न में एक्चुअली आपको अलग अलग ऑप्शन रहते हैं कि आप फीचर को पैटर्न करो सकते हो, आप 3D बॉडीज को पैटर्न कर सकते हो, डिस जॉइंट, ओके, ओके या फिर फेसेस को भी पैटर्न कर सकते हो, सरफेसेस को पैटर्न कर सकते हो। राइट नाउ हमको फीचर करना है, सो वी विल चूज दैट। तो मॉडल ट्री में से अगर आपने सेलेक्ट किया रहेगा तो ऑटोमेटिकली वो सिलेक्शन जो है वो फीचर के अंदर जाएगा, यहाँ पे बॉडीज में ओके नहीं जाएगा, फीचर ऑप्शन चेक हो जाएगा। सो हमें अभी दोनों के बीच में 10 का गैप चाहिए, और कितने चाहिए टोटल? 5 चाहिए, राइट? सो 5 कटआउट्स, और यहाँ पे अब डायरेक्शन देते हो तो मैं इस ज्योमेट्री का ये एज सेलेक्ट करता हूँ, तो दैट डायरेक्शन, और डायरेक्शन अगर गलत हो गया तो फ्लिप कर सकते हो, ठीक अच्छा है? यहाँ से आप फ्लिप कर सकते हो आपका ऑप्शन, एंड नाउ वी आर ओके। इसका डिस्टेंस जो है बिटवीन टू इंस्टेंसेस, एडजेसेंट इंस्टेंसेस एंड द काउंट, ओके। इसके बाद फिर आप इस फेस पे स्केच करके ऐसे एक्सट्रूड कट कर सकते हो थ्रू ऑल, सिमिलरली इस फेस पे स्केच कर सकते हो। अगर आपको ज्योमेट्री के फेसेस यूज नहीं करने हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं, आप फ्रंट प्लेन पे और राइट प्लेन पे स्केच कर सकते हो। मान लो मैंने भी फ्रंट प्लेन पे स्केच किया और दैट इज अ कॉर्नर सेंटर रेक्टेंगल ऐसे। अभी इसके अपना लेक्चर बंद हो जाएगा 3 मिनट में, तो फिर से ज्वाइन कीजिएगा, ओके? ओके ओके।
सो ये सेंटर ऑफ आवर रेक्टेंगल एंड ओरिजिन को सिलेक्ट करके वर्टिकल लाइन बोल देते हैं। ओके सो इसका लेंथ जो है वो कितना बोला उन्होंने, कितना 30 40? नहीं नहीं 40 नहीं है, 30 है। 40 हाँ 30 तो इसका है डिस्टेंस। हाँ नहीं 30 तो 30, और ये जो डेप्थ है वो है 2, राइट। मिलीमीटर्स स्केच हमने बनाया है हाफ पे और कट ओके कर रहे हैं दोनों साइड का मटेरियल, तो आप एक्सट्रूड कट में जाओगे ना तो यहाँ पे डायरेक्शन वन के अंदर यहाँ पे आपको ऑप्शन है थ्रू ऑल बोथ, ओके तो दोनों डायरेक्शन में थ्रू ऑल ऐड हो जाते हैं। देखो यहाँ पे भी थ्रू ऑल, यहाँ पे भी थ्रू ऑल ऐड हो गया, दोनों चेक्ड या है। आप ओके बोल दो और दोनों साइड का मटेरियल कट हो जाए। सेम थिंग आप राइट प्लेन पे स्केच करके यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। और ये देखिए ये फीचर है ना, ये इस कट के वजह से अपने आप आ जाता है, इसलिए डायग्राम में उसके बारे में कोई डिटेल दिया नहीं अलग से, है या नहीं ना। यस वो जब आप ये कट क्रिएट करोगे तो कहीं इस पे यहाँ पे ये इंडेंट आ जाता है। ओके सो दिस आर दी सिंपल एग्जांपल्स फॉर शेल, आगे भी जाके आप बहुत सारे फीचर्स को शेयर करोगे। ओके तो एक काम कर दे, अभी हम लोग रिस्टार्ट कर देते हैं या ओके लेक्चर को, तो मैं आपको ये हैंडल दिखा देता हूँ, ये बनाया ना आपने, ठीक बनाया मैंने ओके है। तो मैं एक काम करूँगा, मैं मेरी तरफ से आपको ये बना के दिखाऊंगा और फिर साइमल्टेनियसली उसके एंड में मैं आपको इसका हैंडल बना के दिखाऊंगा, मैंने सब प्रोफाइल भी बनाया है ओके। आपको शेयर करना है स्क्रीन तो शेयर कर सकते हैं, मैं रिस्टार्ट करता हूँ फिर शेयर हाँ करेंगे। रिस्टार्ट हेलो करेंगे हाँ है, तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ओके तो ये ओके मैंने बाहर 1 मिनट मैं इसको कैंसिल करता हूँ ये ओके वाली है फिलेट नहीं मार रहे मैंने आपका टोटल हाइट गलत हो गया, हाइट जो है वो 278 है। बड़ा हाँ क्योंकि वो 258 के ऊपर वो 20 जाता है डायग्राम में। हाँ ओहो अच्छा ये हाइट यहाँ से है हाँ या 278 अभी ऑलमोस्ट परफेक्ट शेप में है। रिबिल्ड कर देता हूँ मैं फिर बन जाएगा शायद तो अभी बराबर है ये आपके ये जो कंस्ट्रेंट्स का विजिबिलिटी ऑन कीजिए ना, वो कहाँ से करते हैं वो जो एक ऊपर स्क्रीन के सेंटर में ना ऊपर हो आई का सिंबल है आपके कर्सर के, हाँ उधर बस कंस्ट्रेंट्स, हाँ उसके नीचे का। ओके अब एक काम कीजिए, वो जो देखो ऊपर का ना इंक्लाइंड लाइन है वो टेंजेंट डिलीट कीजिए। हाँ इंस्टेड ये दो आर्क है ना 55 to 65, हाँ उसमें टेंजेंट ऐड कीजिए। ओके हाँ हाँ अभी इसकी ये नेक रहा जो है सही वो थोड़ा इम्प्रूव हो गया, परफेक्ट ओके। ये भी सही है। ये अभी आप अभी कहा गया अच्छा ये हाँ ये इम्पोर्टेंट है ये टेंजेंट इम्पोर्टेंट हाँ है हाँ यस अच्छा बाकी तो कुछ नहीं है इसमें नहीं परफेक्ट बाकी हैंडल बनाया था मैं है। डायमेंशन नहीं दिया है कुछ ओके ओके वही मेरे भी एकदम अलग लगा वो। डायमेंशन एनीवेज नहीं दिया मैंने ओके स्टॉप करूं ओके अभी हाँ ये चाहिए क्या अभी नहीं नहीं चाहिए क्या सो ऑलमोस्ट आपने सब करेक्ट लिया था, एक ही डायमेंशन का थोड़ा गड़बड़ था और कंस्ट्रेंट का। हाँ ओके
भी आपको दिखा देता हूँ मैं, वैसे भी मुझे बनाना पड़ेगा। तो फ्रंट प्लेन क्रिएट स्केच और एक्सिस क्रिएट कर लेते हैं, ये रेवोल्यूशन एक्सिस हो गया। फिर एक लाइन ऐसे, फिर थ्री पॉइंट आर्क ऑन दिस, एकदम रफ हाँ एंड ऐसे एंड सो लेट्स स्टार्ट कंस्ट्रेनिंग। सो ये कंस्ट्रेन, कैन बी आर दिस इज गुड। फिर हाँ, सबसे कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो 9, ओके, और ये जो है ये 10 है, टेन ग्रेट। यहाँ से यहाँ तक का ये हाइट जो है, अभी मैं इसे रखता हूँ, इसको बाद में चेंज करेंगे, ओके। एंड ये जो एज है इसका, ये पॉइंट और ये पॉइंट हॉरिजॉन्टली अलाइन्ड पॉइंट, एंड ये पॉइंट और ये एज जो है वो 20, ठीक है। नाउ विल ऐड दी डायमेंशंस। तो सबसे इनर क्या था, 108, हाँ ओके। सबसे बाहर वाले ले लेते हैं, चलो। दिस एंड दिस, तो आप एक्सिस के इधर माउस लेके आते, कैन एक्चुअली पुट इन द डायमेंशन, ओके। नहीं हो दैट रहा था इज मेज में वो वन कैसे, अब सेकेंड मैंने कर नहीं पाया, ट्राई कर रहा था सुबह, वो नहीं हो रहा था। आपने अगर लाइन को सेलेक्ट किया तो नहीं होगा, एक्सिस को सेलेक्ट करना पड़ेगा, सेंटर लाइन को। ये अभी एक मिनट, जस्ट ए मिनट, मैं ट्राई करता हूँ, मेरा ऑन ऑन ही हो गया है वो। हाँ, यस, स्मार्ट डायमेंशन, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, हाँ अभी आ गया, है ना? या तो वो गड़बड़ हो रहा था। यस। यस इसको थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसको मुझे डिलीट करके फिर से बनाना पड़ेगा। हाँ ऐसे, हाँ। एंड हाँ, कहते थे दिस वन इज 158, राइट? सो 258, 258, या या। एंड दिस वन इज 55, एंड दिस वन, 265, या। सो इसको थोड़ा सा ऐसे समझे, इनको कंस्ट्रेंट कर लेते, तो इट विल बी गुड। सो ये 90 है यस और ये है 120, 20, ये है 265। ओह, हाँ लगा ही वो से वो उसका उसका हाइट देने से हो जाएगा। था। यस, हाँ ये है 53। 53, लेकिन 53 और ओके, 20 से है वो। हाँ बराबर है, हाँ बराबर, हाँ, टू बराबर है, सिक्सटी फाइव ओके। ये यूजली सेंटर का प्रॉब्लम रहेगा ना, तो ये हमेशा आपको ऐसे करेगा। वो मुझे ओके, प्रैक्टिस के टाइम में वैसे गड़बड़ आया था मेरे को। हाँ 53 ना। हाँ ठीक है, सो आई हैव टू इरेज दिस। हाँ उसको कैंसिल ही कर दीजिए।
और मेक श्योर कि ये दोनों वर्टिकली अलाइन ना हो। यस सो ये कनेक्ट हो गया, इसको इसके साथ टेंजेंट कर दिया। ओके, एंड दिस डायमेंशन शुड बी वर्टिकल। ओके, यस सो ओके, अभी इसको मैं जी रेडियस देता हूँ 200। ओके, यस सो वंस दिस इज डन, आप इसको रिवॉल्व कर सकते हो 360 डिग्रीज। ओके, और फिर आप इसमें फिलेट ऐड करोगे जो रेडियस 7 का है इस एज पे, और फिर आप शेल करो, इसके पहले शेल नहीं कर सकते। या तो 1 mm का थिकनेस असाइन कर देंगे इसको, शेल किया। अभी आप इसका हैंडल बनाओगे, तो हैंडल का शेप अगर आप देखोगे, ओके, सो इसको आप इस फीचर को आप एक्सट्रूड से कर नहीं सकते, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन जो है उसने एलिप्स बोला है, 25 इन 10 मेजर एंड माइनर एक्सिस, एंड ये एलिप्स जो है वो ऐसे आ रहा है, फिर से घूम रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर घूम रहा है, ऐसे कर रहा है। तो एक तो यूजर क्या कर सकता है, इधर तक एक्सट्रूड करेगा, फिर रिवॉल्व करेगा, है ना, अबाउट दिस एक्सिस, फिर इधर एक्सट्रूड करेगा, रिवॉल्व करेगा, एक्सट्रूड करेगा। ओके, तो ये बहुत बड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो गया, राइट। यस सो हम लोग वैसा इसको नहीं क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसे केसेस के लिए स्पेशल टूल है, स्वेप्ट बॉस, स्वीप, इसको जनरली स्वीप कहते हैं। ओके तो स्वेप्ट बॉस में आप पाथ बना लेते हो, और पाथ के किसी एक एंड पर, ओके, जैसा भी उस पाथ का और प्रोफाइल का ओरिएंटेशन रहेगा, मोस्टली वो परपेंडिकुलर ही होता है एक दूसरे से, तो उस ओरिएंटेशन में आप वो प्रोफाइल क्रिएट करोगे। अगर पाथ के दोनों में से किसी भी एंड पर अगर कोई ऐसा फेस नहीं है जहाँ पे आप स्केच नहीं कर सकते, तो आपको प्लेन बनाना पड़ेगा, रेफरेंस प्लेन। ओके, और ओके फिर आपको स्केच करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग पहले पाथ बना लेते हैं, बट ऑब्वियस पाथ के बिना हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे ये एक्चुअली प्रोफाइल कहाँ पे बनाना, बट ऑब्वियस ये कर्वेचर फेस है, तो यहाँ पे हम लोग को प्लेन भी नहीं है। ठीक यस है, सो मैं फ्रंट प्लेन पे स्केच में आया हूँ, लाइन कमांड लेता हूँ और ऐसे एक प्रोफाइल क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, सो दीज टू आर पैरेलल टू इच अदर, दीज आर परपेंडिकुलर टू इच अदर। ओके, अभी है ना, आप देखोगे यहाँ पे देखो सिलाउट आ रहा है, ये थोड़ा सा ध्यान से करेगा, क्योंकि मैंने शेल मार दिया है। अच्छा तो जब आप इसको कंस्ट्रेन करोगे, दिस शुड कोइंसिडेंट विद द आउटर सिलाउट, नॉट द इनर। ओके, अगर मैं आपको विजुअल स्टाइल से हिसाब से बताऊं, तो इसके अंदर भी है ना, इसका बॉय का है, तो उसके अंदर वाले के साथ भी कंस्ट्रेंट हो सकता है, तो वो ट्राई कीजिए कि वैसे गलत ना हो जाए। ओके, सो मेक कोइंसिडेंट। यस सॉरी, इसके बाद आप ये सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस, हाँ, 66 इस हॉरिजॉन्टल रेफरेंस के साथ आप इसका एंगल, है ना, 85 यस, इसका लेंथ और85 इसका लेंथ, फिर 125 ऑफकोर्स ये पाथ है, तो ये कर्वेचर आपको यहीं पे डिफाइन करना पड़ेगा। इसको स्वीप करके बाद में आप फिलेट नहीं दे पाओगे, वो मटेरियल रिमूव करेगा, राइट। सो फिलेट और रेडियस 25, और ये दोनों कॉर्नर्स को क्लिक करो, और फिर ओके हो गया।
सो ये हमारा स्केच जो है, पाथ स्केच, वो फुल्ली डिफाइंड हो गया, फिनिश। ग्रेट। सो इनमें से किसी भी एक एंड पे आप प्रोफाइल बना सकते हो। मैं यहाँ पे अवॉइड करूंगा क्योंकि है ना, ये फेस है ना, इसके ऐसे प्रोफाइल बनेगा तो मेजर ऑफ द प्रोफाइल मटेरियल जो है वो इसके अंदर घुसेगा। ओके और यहाँ पे अगर मैं प्लेन बनाता हूँ इसको परपेंडिकुलर, तो वो इसके अंदर नहीं घुसेगा, इसके फेस के ऊपर ही रहेगा, एलिप्स का पोर्शन जो है वो, जब आप स्वीप ओके मारोगे। सो वो एक्चुअली ऑपरेट करने में इजी हो जाएगा व्हेन यू ट्राई टू मर्ज द हैंडल, ओके, विद दिस वास जार फेस। ओके, वो क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मैं रेफरेंस ज्योमेट्री कमांड में जाऊंगा, प्लेन बनूंगा। सो यहाँ पर मैं बोलता हूँ ये पॉइंट, यहाँ पर मैं बोलता हूँ ये लाइन। ओके, सो दो रेफरेंस ओके लिए, पॉइंट के साथ कोइंसिडेंस, लाइन के साथ परपेंडिकुलर इन रिलेशन। ये उसने ओके अज्यूम किया सॉलिड वर्क्स, कभी कभी वो गलत भी अज्यूम कर सकता है क्योंकि हमारा क्राइटेरिया अलग हो सकता है। सो आप चू चेंज कर सकते हो ऑप्शन, बेसिकली इस केस में सही है। सो ओके बोल देते हैं। अब और आप हर एक चीज को नाम दिया करो, मैं भी नाम नहीं कर रहा हूँ किसी को, प्लेन वन सब वैसे ही रख रहा हूँ जनरली, बट नाम देने की आदत है। सो प्लेन वन एंड क्रिएट स्केच। ओके, सो वी कैन क्रिएट एन एलिप्स। सो ये ओरिजिन, क्लिक क्लिक। सो एलिप्स का ये पॉइंट और ओरिजिन हॉरिजॉन्टली अलाइंड, पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे 25 और यहाँ पे 10 एंड ओवर। सो जब मैं इसको स्वीप करूंगा, अभी मैं प्रोफाइल को पहले सेलेक्ट करूंगा, फीचर्स में जाके स्वेप्ट बॉस कमांड को स्टार्ट करूंगा, ओके, और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा टू दिस पाथ। तो इसमें स्वीप होगा, बट अगर आप यहाँ पे आके देखो, उसी के गैप क्रिएट हो रहा है प्रैक्टिकली, ऐसे हमारा हैंडल नहीं रहेगा, राइट। ओके, वैसे यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इस जगह पे गैप है, इस जगह पे वो इंटरसेप्टो के अंदर से ऐसे प्रोट्रूड हो रहा है। देखिए, अभी पुराने सॉफ्टवेयर में ना ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व, सॉलिड वर्क्स में ही, लाइक अगर आप 2014-15 वर्जन तक का कोई वर्जन यूज कर रहे हो, मे बी डिपेंड करता है ना, कंपनी के पास ओल्डर वर्जन भी हो सकता है। सो ऐसे केस में ना ये प्रॉब्लम सॉल्व होता नहीं है। ओके, अभी इसके लिए ऑप्शन तो है यहाँ पे ना, आप सिर्फ यहाँ पे सेलेक्ट करोगे अलाइन विथ एंड फेस, तो ऑप्शन क्लिक, उसमें भी ऑप्शन है ओल्डर वर्जन में, यहाँ पे भी सेम ऑप्शन है, बट यहाँ पे वो वर्क कर जाता है। देखो, उसने अपना इस फेस का जो ओरिएंटेशन है वो चेक किया और उस हिसाब से खुद को चेंज कर लिया, रेक्टिफाई किया उसने अपना, बहुत सारा एफर्ट्स बच गया। और मैं ओके बोलूंगा, अपना ये स्वीप हो गया, बट मैं भी, इफ आप किसी ओल्डर वर्जन में काम कर रहे हो और ऐसा गड़बड़ हो गया, मैं अभी ऑप्शन ऑफ करता हूँ तो वो गड़बड़ हो जाएगी, इसको सॉल्व कैसे करोगे आप, है ना। सो मैं एक काम कर सकता हूँ, इस फेस को सेलेक्ट करूंगा, क्रिएट स्केच बोलूंगा, उस फेस को सिलेक्टेड रखे हुए मैं बोलूंगा कन्वर्ट एंटिटीज और फिनिश दिस स्केच, तो उसका बॉर्डर जो है वो स्केच में कन्वर्ट हो गया। उसको मैं एक्सट्रूड बोलूंगा और यहाँ पे बोलूंगा अप टू सरफेस और इस फेस को सेलेक्ट। मर्ज कौन रखे है? ये इधर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, है ना। अब इधर का आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आधा नहीं हुआ है क्योंकि अंदर से वो प्रोट्रूड हो ही रहा है, ऊपर का पार्ट तो सॉल्व। ओके, और यहाँ पे भी सेम हो रहा है, ये बाहर आधा है। ओके, इस फेस को भी मैं सेलेक्ट करता हूँ, क्रिएट स्केच कन्वर्ट एंटिटीज, तो वो पूरा का पूरा फेस का बॉर्डर है वो स्केच में कन्वर्ट हो जाएगा और उसको हम लोग एक्सट्रूड करेंगे। ओके, एंड यहाँ पे मैं बोलूंगा अप टू सरफेस, अप टू नेक्स्ट भी ट्राई कर सकते हो, बट कभी कभी किसी वर्जन में और भी गड़बड़ कर दो, अप टू नेक्स्ट बोलेंगे ना तो इस साइड के फेस पे आके इधर आके रुकते हैं अंदर घुस के। अच्छा हाँ, वो जैसे सॉफ्टवेयर डेवलप होते रहता है, कुछ ना कुछ तो इम्प्रूव होता है, तो पुराने वर्जन में ये सब इशू आते थे, वो दिखा रहा हूँ। ओके, सो ये भी ब्लेंडिंग जो है वो ठीक से हो गया, ये आपको एज दिख रही है, वो तो क्या हार्ड एज नहीं है। अगर मैं
विजुअल स्टाइल अपडेट कर दो, इट इज स्मूथ। ओके वो सिर्फ लाइक अलग ऑपरेशन वहाँ पे हुआ है तो एज दिखाता है, हार्ड एज है नहीं वो, सो नो प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है, अभी ये प्रोट्रूजन को कैसे मिटाऊंगा मैं? सो चलो वो एक सेक्शन व्यू क्रिएट कर लेते हैं अबाउट साइड प्लेन। तो यहाँ से ये आपको प्रोट्रूजन क्लियरली दिखाई देगा। ओके, और डायरेक्ट एडिटिंग टैब में आते हैं, जहाँ पे मैं बोलूंगा डिलीट फेस। ठीक है, डिलीट एंड पैच को सिलेक्टेड रखिए एंड सेलेक्ट बोथ ऑफ दिस फेसेस एंड से ओके। गया, अच्छा दैट्स इट। ओके, ये आप ओल्डर वर्जन में करोगे इफ इट डजंट वर्क। ये एक मेथड हो गया, इसको बनाने के अलग अलग मेथड है एक्चुअली। आप है ना, और एक चीज कर सकते हो जिससे ना ये कटिंग पुटिंग कुछ करना ही नहीं पड़े ओल्डर वर्जन में। स्टेप्स उसमें भी एक तो ज्यादा ही है देन दी स्वीप, बट स्टिल आपका काम हो जाएगा। जब आप स्वीप करते हो ना, तो ये पाथ है ना, अब पाथ यहाँ से स्टार्ट करो। ये लाइन को ओके कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री रखो, यहाँ से पाथ स्टार्ट करो और यहाँ पे एंड करो। ये लाइन को भी आप कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री रखोगे। फिर प्रोफाइल के लिए आप जो प्लेन है ना, वो इस एंड पे बनाओगे, और स्वीप भी यही पे बना के यहाँ से यहाँ तक स्वीप करोगे। ओके फिर आपको क्या मिलेगा? इधर और इधर फेस मिलेगा, राइट? और ये यहाँ पे बीच में गैप रहेगी हैंडल और स्टार के बीच में। आप इस फेस को सेलेक्ट करोगे, ओके, स्केच बनाओगे, नया स्केच स्टार्ट करोगे, इस फेस को और ऊपर वाले फेस को सेलेक्ट करके कन्वर्ट एंटिटीज बोलोगे, तो दो एलिप्स एक ही स्केच में बन जाएंगे। उसको एक्सट्रूड अप टू नेक्स्ट बोल दोगे और मर्ज बोलोगे, ये दोनों मर्ज हो जाएंगे, कुछ भी अंदर प्रोट्रूड नहीं होगा। हाँ वो भी हो सकता हाँ, सो मल्टीपल ऑप्शन है, जैसे आपको चाहिए वैसे आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये ओके, वाली नए सॉफ्टवेयर में उन्होंने अपडेट किया है क्या ये चीज? हाँ, 16 वर्जन और आगे के वर्जन में ये एरर आता नहीं है जो मैंने अभी आपको दिखाया था। ओके तो मतलब फिर तो ये लफड़ा है बात। सॉरी, मैं यूजली ये 12 वर्जन से यूज कर रहा हूँ। मैंने एक्चुअली सीखा तो बहुत पुराना था, सॉलिड वर्क्स 2007, और उसको अरे सिर्फ सीखने के लिए यूज किया, बाद में कभी यूज नहीं किया था। वर्किंग मैंने एक्चुअली 2012 वर्जन से ज्यादा किया। बाप सो 12, 13, 14, 18 और 20 का नॉलेज थोड़ा ज्यादा है मुझे, एक्सपीरियंस वाइज। एवरी ईयर वो लोग कुछ ना कुछ अपडेट्स करते रहते हैं सबको। हाँ, नया कमांड भी नहीं आ रहा है, बट पुराने कमांड्स में जो प्रॉब्लम रहते हैं वो तो सॉल्व करके लाते हैं, ऐसा रहता है। सब नहीं सॉल्व ओके होता, बट हाँ, यू गेट सम ऑफ सम और द अदर ट्वीक्स। तो आप फिर कनाडा ही आ जाइए, यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बहुत बहुत डिमांड रहता है यहाँ पे। अरे, अभी तो मैं बीम बीम इंडस्ट्री में हूँ।